नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सिंह राशि के जनवरी 2024 के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस राशिफल के अंदर बात करेंगे कैसा रहेगा नए वर्ष की शुरुआत, यानी आपका मंथ जनवरी का महीना। साथ के साथ हम बात करेंगे कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बात करेंगे यहाँ पर कौन सा भाव एक्टिवेट हो रहा है। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के आपके राशि स्वामी की। सूर्य बनते हैं राशि स्वामी, यानी सिंह राशि वालों के सूर्य देव उनके राशि स्वामी हैं। उनके गोचर की बात करें पंचम भाव में अपने मित्र की राशि में मित्र के साथ में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए कारक ग्रहों की बात करें साइनी सबसे महत्वपूर्ण और अच्छे प्लैनेट्स की बात करें तो सूर्य मंगल और देवगुरु बृहस्पति ये तीन बहुत अच्छे प्लैनेट और कारक ग्रह माने गए हैं। यानी इनका गोचर अगर सही मैं अगर बात करूं भावों से हो रहा है, सही ग्रहों से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी अच्छे मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सूर्य का गोचर पंचम भाव में मित्र राशि में मित्र के साथ यानी नवम भाव के स्वामी के साथ चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ हो रहा है, लाभ भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं महत्वपूर्ण स्थिति की बात करूँ तो लाभ भाव के स्वामी अगर मैं बात करूं तो चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ के स्वामी पंचम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। साथ के साथ राशि स्वामी भी पंचम भाव में है, नाइन्थ हाउस के स्वामी यानी नवम भाव के स्वामी भी आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। संतान संबंधित आपके यहाँ पद प्राप्ति संबंधित इन दोनों से रिलेटेड आपको शुभ फल मिलने की संभावनाएं इस माह में अत्यधिक बढ़ जाती हैं। फोर्थ हाउस के स्वामी भी हैं तो कहीं ना कहीं आपके मकान से लेकर आपके पुरानी समस्याओं से लेकर यहाँ पर भी आपको सफलता मिलने के चांसेस अत्यधिक बढ़ जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर धन भाव के स्वामी की, तो धन भाव के स्वामी बनते हैं जो कि लाभ भाव के स्वामी भी हैं बुध देव शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। शुक्र यहाँ पर आपके दशम भाव के स्वामी हैं तो दशमेश और लाभेश, दशमेश और दनेश चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। पारिवारिक सपोर्ट पूरा मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दशम भाव के स्वामी का इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है कहीं ना कहीं यह गोचर आपके कार्यक्षेत्र के लिहाज से सिंह राशि वालों के लिए भी अच्छा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी हैं, क्योंकि अगर हम संतान संबंधी और पद प्राप्ति संबंधित बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पंचम भाव के स्वामी का इन्वॉल्वमेंट और अच्छा गोचर भी अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति जो है आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अगर अपने भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाव में वृद्धि यानी पद प्राप्ति में वृद्धि, संतान संबंधित बातों में वृद्धि, विद्या बुद्धि संतान को लेकर यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देखने के चांसेस अत्यधिक बढ़ जाते हैं। बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र को लेकर। शुक्र बनते हैं कार्यक्षेत्र के स्वामी, चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके दशम भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। बुध जो है धन भाव के स्वामी हैं तो धनेश और आपके कार्यश यानी आपके दशम भाव के स्वामी दोनों का चतुर्थ भाव में गोचर आपको आपके परिवार से आपके कार्यक्षेत्र के साथ साथ जोड़े रखने वाला है। पारिवारिक तौर पर यहाँ पर आपको वृद्धि और समृद्धि देखने को मिलेगी। आपके साथ तीसरे भाव के स्वामी का भी इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी भी शुक्र बनते हैं तो कहीं ना कहीं यात्राएं भी आपको अपने घर से दूर देखने को मिल सकती हैं। धन भाव के स्वामी अपना राशि परिवर्तन करके वृश्चिक से निकलकर आपके धनु राशि में आएंगे और आपके दशम भाव के स्वामी शुक्र भी आपकी वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि के अंदर यानी चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव के अंदर गोचर करने वाले हैं। तो शुक्र और बुध इन दोनों का गोचर चतुर्थ से निकलकर पंचम में होगा, वह रिजल्ट भी आपके लिए बहुत शुभ फलदायक रहने वाला है। क्योंकि जो भी पद प्राप्ति होनी है वो आपके इन दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन के बाद में ही होनी है। बात करते हैं आपके भाग्य को लेकर, तो भाग्य भाव के स्वामी मंगल बनते हैं जो कि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्येश का त्रिकोण भाव और केंद्र भावों में गोचर शुभ माना गया है तो मंगल यहाँ पर भाग्य में वृद्धि करने वाले रहने वाले हैं। बात करते हैं कॉम्पिटिशंस को लेकर, तो छठे भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव जो कि सप्तम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव के स्वामी भी शनिदेव बनते हैं तो छठे और सप्तम इन दोनों के स्वामी होकर शनि का अपनी ही राशि से गोचर होना कहीं ना कहीं सप्तम भाव के फलों के अंदर वृद्धि करने वाला रहने वाला है। सप्तम भाव के फलों की बात करें तो पार्टनरशिप आपके बिजनेस को लेकर जीवन साथी संबंधित बातों को लेकर यह आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान करने वाला रहने वाला है।
ओवरऑल अगर हम बात करें तो धन संबंधित बातों के लिए गोचर शुभ है, कार्य क्षेत्र के लिए भी गोचर शुभ है। सबसे महत्वपूर्ण संतान और पद प्राप्ति, इनके लिए आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।